हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अन अकेडमी अकॉर्ड इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग सर्विंग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर रिवाइज करेंगे। और सर्विंग सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स इस सीरीज में हम रिवाइज करने वाले हैं आप लोगों को सबसे पहले मैं वो बताऊंगी, फिर हम लोग अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने कंपास सर्वे का बियरिंग और डिक्लानेशन वाला टॉपिक अच्छे से कवर करना है। तो बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स आप लोग कंपास सर्वे में डिस्कस करते हो, और ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको कंपास सर्वे की सीरीज में करवाऊंगी, जो आपका गेट का एग्ज़ाम है, अगर वहाँ क्वेश्चन उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस भी आपके बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं अपने आप आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। ईएससी के लिए भी बियरिंग और डिक्लानेशन के जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर पाओगे, और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो आज हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कंपास सर्वे में डिफरेंट टाइप ऑफ बियरिंग्स, इन सबसे रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें जो है वो आज हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरी जितनी भी सेशंस होंगे, जितने भी, सभी का टाइम शाम का 6 बजे रहेगा, तो ऑल्टरनेट डेज पे क्लास है। और अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कल ना होकर नेक्स्ट डे होगी, 20 अगस्त को, ठीक है? और कंपास सर्वे के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बियरिंग, डिक्लानेशन और लोकल एट्रैक्शन और इंक्लूडेड एंगल, ये चारों टॉपिक्स यहाँ पर अच्छे से कवर कराऊंगी। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सभी को? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे कमेंट्स कुछ अभी नहीं शो हो रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी आप कमेंट कर रहे हो या नहीं, तो अभी शो नहीं हो रहे। एक बार बस जस्ट बता दो कि क्लियर है सब कुछ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। 18 अगस्त यानी कि आज से एक्सेलरेट बैच जो आपका गेट 2022 का चल रहा है, इस बैच में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, और आपका आरसीसी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो विवेक सर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका टाइम आपका 9:15 PM रहेगा। आप लोग जिसने भी प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और इस क्लास को भी लाइव भी देख सकते हो। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड है सिमरन के लाइव। जिसने भी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, मतलब प्लस वाले ही एक्सेस कर पाएंगे इस कोर्स को, जो आज से ये स्टार्ट हो रहा है। अनअकैडमी पर कुछ स्पेशल क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस में आपका देखिए क्या रहता है, आप जो भी लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है स्पेशल क्लासेस में, जिसमें मैं नए क्वेश्चंस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और हम लोग उन क्वेश्चंस की हेल्प से रिवीजन कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो मैंने यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग का रिवीजन जो है वो स्टार्ट करवाया है सबसे पहले। तो हमने स्टार्ट किया है स्पेशल क्लासेस में हाईवे इंजीनियरिंग से अपना रिवीजन। तो प्रीवियस ईयर आप लोग क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लेते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हमें नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अलग अलग टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो गेट को अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, तो क्या गलतियां होती हैं किन क्वेश्चंस में, उस चीज़ को कंसीडर करके हम लोग नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पेशल क्लासेस में। और स्पेशल क्लासेस में क्योंकि हम लाइव पोल कंडक्ट कर सकते हैं, आपने क्या आंसर दिया है, आपका रैंक क्या आ रहा है, वो सब डिसाइड कर सकते हैं। तो स्पेशल क्लासेस में ये जो प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसमें आप आंसर पोल में करते हो, तो वो पैटर्न बहुत सही सा बन जाता है। और अगर आपको मतलब नहीं आइडिया इसके बारे में, ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस है, इसके लिए आपको कुछ नहीं पे करना होता। एक बार कोई भी रिकॉर्डेड क्लास देख लो, अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो आप बाकी की क्लासेस भी देखना, ठीक है? कहाँ पर मिलेंगी आपको ये सारी क्लासेस? अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल सर्च करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये स्पेशल क्लासेस में मैंने स्पेशल क्लासेस में सी ऑल पर क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग रिवीजन लाइव टेस्ट 3, लाइव टेस्ट 4, लाइव टेस्ट 5, तो 5 टेस्ट ऑलरेडी मैं लाइव टेस्ट ले चुकी हूँ। और इन 5 टेस्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं, जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो गए, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिज़ाइन, तो इससे फ़ायदा क्या रहता है कि हम लोगों को यहाँ पर नया, मतलब कि ये बोल सकते हो कि नए क्वेश्चंस मिलेंगे जितने सॉल्व करने को। तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं वो सारा पैटर्न आप लोगों का, मतलब कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाती है ना? चलो, तो ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने शाम को 6 बजे टेस्ट लेना है, जिसको भी रिवाइज करना है तो आप शाम की 6 बजे वाली क्लास में आ जाना,
कल आपकी स्पेशल क्लास होगी 6 PM, और टॉपिक्स जो हैं वो पूरा हाईवे इंजीनियरिंग है। हाईवे इंजीनियरिंग में कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, हाईवे मटेरियल, पेमेंट डिज़ाइन एंड ट्रैफिक, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और इसके साथ अगर आप अनअकैडमी पर गेट और ESC का 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो उसमें आपको 1 मंथ का SSC JEE एंड State AE, SSC JEE और State AE कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। आपको पे सिर्फ 6 मंथ का कोर्स का करना है, और साथ में ये ऑफ़र भी अभी कुछ टाइम के लिए वैलिड है कि 12 मंथ्स के लिए अगर आप गेट और ESC का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसमें साथ में 2 मंथ्स गेट और ESC के एक्स्ट्रा प्लस 3 मंथ्स SSC JEE और State AE कैटेगरी। तो SSC JEE और State AE कैटेगरी में भी मैं अब प्लस क्लासेस ले रही हूँ, और वहाँ पर डिटेल कोर्स सर्वेइंग का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सेम वैसे ही अनलिमिटेड आप एक्सेस कर सकते हो, रेज हैंड फीचर है वहाँ पर आपका, और जिससे कि आप लोग मतलब बोल कर भी डाउट पूछ सकते हो। ये एक नया फीचर आया है अनअकैडमी पर, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस है, लाइव क्लास में डाउट आ रहा है लाइव क्लास में पूछ सकते हो, और इसके अलावा जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे दे सकते हो। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आप जितने भी एजुकेटर्स गेट एंड ESC के लिए पढ़ा रहे हैं आप उन सभी के मतलब कि उन सभी की क्लासेस देख सकते हो, और जितना भी अमाउंट गेट ESC का है वो सारा मैंने यहाँ शो कर दिया है। मतलब 12 महीने का या 6 मंथ का अगर आप कोर्स ले रहे हो तो अभी मैंने आपको ऑफर बताया कि उसमें आपको SSC JEE का 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो माई रेफरल कोड इज़ सिमरन के लाइव। अगर आपका आप ज्वाइन कर रहे हो कोई स्पेशल क्लास, और स्पेशल क्लास के लिए वो अनलॉक के लिए कोई कोड पूछ रहा है, तो वहाँ पर भी आप सेम रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो आपका कंपास सर्वे से रिलेटेड है। कंपास सर्वे में हम लोग ये बियरिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिक्लाइनेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में जानते हैं फिर इनके बारे में समझते हैं। अच्छा, कंपास जो है, आप कंपास का यूज़ क्या मेज़र करने के लिए करते हो? कंपास की हेल्प से मैं लीनियर मेज़रमेंट ले सकती हूँ, एंगुलर ले सकती हूँ। अगर मैं एंगल मेज़र करती हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र कर सकती हूँ या वर्टिकल। क्या मेज़र करते हैं कंपास की हेल्प से? अगर कंपास सर्वे को डिफाइन करना है, कंपास की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करते हो। कंपास की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करते हो, और जितने भी एंगल हम मेज़र करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन करते हैं। अभी समझाती हूँ इसका मतलब। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन करते हैं हम, यहाँ पर वर्टिकल एंगल मेज़र नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेज़र वर्टिकल एंगल। इसका मतलब क्या है देखो, कंपास सर्वे में पहली बात तो मुझे एंगल मेज़र करना है। अगर कंपास सर्वे एंगल मेज़र करते टाइम मुझे अगर लीनियर मेज़रमेंट करनी है तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? लीनियर मेज़रमेंट करनी है तो वो हम लोग चेन और टेप की हेल्प से करेंगे। ठीक है, मेरा अभी मतलब SSC JEE और State AE की कैटेगरी में सर्वेइंग का डिटेल कोर्स स्टार्ट हो गया। अमित अलग से UPSC AE नहीं है, जब कैटेगरी SSC JEE और State AE एग्ज़ाम है तो वहाँ पर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो डिटेल कोर्स सर्वेइंग का ऑलरेडी उस कैटेगरी में ऑलरेडी स्टार्ट करा दिया है मैंने, तो उसके 3 सेशंस हो चुके हैं अभी तक। देखो, हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्लान में मैं शो कर रही हूँ, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट शो करा पहले मैंने, ये h इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हैं, ये मुझे नंबर ऑफ़ फ्लोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब इस बिल्डिंग को मैंने टॉप से देखा, जब इस बिल्डिंग को टॉप से देखा तो इसका प्लान दिखाई देगा, वो प्लान आपको यहाँ पर दिख रहा है। जब मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर प्लेस किया जिससे मैंने एंगल मेज़र करना है, तो अभी ऑब्वियसली बात है ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कंपास होगी। कंपास से मुझे एंगल मेज़र कर रहा है तो डायरेक्टली मैं दो पॉइंट्स के बीच का एंगल नहीं मेज़र कर सकती। पहली बात वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है वो समझा देती हूँ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है, ये बिल्डिंग का टॉप था, ये बिल्डिंग का बॉटम है, मुझे बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के बीच में कितना एंगल बन रहा है मुझे ये बताना है। तो ये एंगल थीटा जो होगा इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल, जो वर्टिकल प्लेन में बन रहा है ये बन जाएगा आपका वर्टिकल एंगल। ठीक है, अगर मैं ये प्लान शो कर रही हूँ इस बिल्डिंग का और मुझे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करना है, तो इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करके ये बिल्डिंग की जो विड्थ है या बिल्डिंग का कॉर्नर नंबर ए या कॉर्नर बी कह दिया,
कॉर्नर ए और बी के बीच में जो मैंने यहाँ पर एंगल मेज़र किया, इस एंगल को क्या बोलोगे? अल्फा को. ये हॉरिजॉन्टल एंगल होगा. अब हम ये दोनों ही एंगल मेज़र नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कंपास. ये एंगल अगर मुझे मेज़र करने, ये कौन मेज़र करके बताता है? थियोडोलाइट, जो हम इसके बाद पढ़ते हैं, थियोडोलाइट. अब हम कंपास से कौन सा एंगल मेज़र करते हैं वो समझते हैं. हॉरिजॉन्टल एंगल है ये वाला, और ये वर्टिकल एंगल है जब आप विद रिस्पेक्ट टू सम एलिवेशन एंगल मेज़र कर रहे हो. अब जब मुझे कंपास से एंगल मेज़र करना है, जब कंपास से एंगल मेज़र करना है, एक रेफरेंस लाइन, ये एक रेफरेंस लाइन है. कौन सी लाइन है अभी समझेंगे. ये एक रेफरेंस लाइन है, इसके विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ए था, इस रेफरेंस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू मैं ये एंगल मेज़र करके बता सकती हूँ कि ये थीटा कितना है. और अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्लान की बात कर रही हूँ, मतलब ये एंगल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एंगल. तो एक रेफरेंस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन का, इस रेफरेंस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू एंगल मेज़र कर पाओगे इन द कंपास सर्वेइंग. डायरेक्टली दो पॉइंट्स के बीच हम लोग एंगल मेज़र नहीं कर सकते, पहली बात तो ये हो गई. अब इस रेफरेंस लाइन के बारे में समझते हैं. रेफरेंस लाइन कौन सी लाइन होती है वो देखते हैं. देखिए, अगर मैं यहाँ पर मानूँ कि ये अर्थ का सरफेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये वो वर्टिकल एक्सिस मैंने शो कर दी. अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वो एक्सिस शो कर दी. देखो, ये डायरेक्शन भी दिखा दी. तो ये अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ और ये अर्थ का एक्चुअल साउथ. अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जो एक्सिस अर्थ के सेंटर से होकर जा रही है, वो एक्सिस हमने अभी ड्रॉ करी है. तो इसको हमने बोल दिया वर्टिकल एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई तीसरा पॉइंट ए पॉइंट था, एक रेफरेंस पॉइंट ए है, ये नॉर्थ और साउथ, तो ये वो लाइन है जो अर्थ के सेंटर से जा रही है, अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. इस नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं ट्रू नॉर्थ या जियोग्राफिकल नॉर्थ, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इसकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है, जियोग्राफिकल नॉर्थ. और इसे कह देते हो जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल साउथ. अब अर्थ के सरफेस पे ये लाइन तो अर्थ के सेंटर से जा रही थी. अगर अर्थ के सेंटर से जा रही है, मैं सरफेस की बात कर रही हूँ, ए पॉइंट अर्थ के सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ए पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन जो नॉर्थ और साउथ पर जाकर मिल रही है, अब ये मैंने ऑन द सरफेस बनाई है, इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्रॉ करी है. तो एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सरफेस से पास होगी और अर्थ के सरफेस पे पास होकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पर भी आपको एंगल मेज़र करना था वो पॉइंट, और अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ और अर्थ का एक्चुअल साउथ, इनको ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हो ट्रू मेरिडियन. इस लाइन को बोलते हो ट्रू मेरिडियन. एक्चुअल में तो मुझे ये कर्व दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग इसको क्या मानकर चलेंगे? स्ट्रेट मान लेंगे. तो मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन करने वाली जो ये इमेजिनरी लाइन है अर्थ के सरफेस के ऊपर, इसे हमने क्या बोला? ये है ट्रू मेरिडियन. ट्रू मेरिडियन क्या होता है वो समझ में आया? ट्रू मेरिडियन क्या होता है वो समझ में आया बताओ. गेट के तो ऑलरेडी मेरे बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, एक्सेलरेट बैच का मैं आपको कुछ टाइम में बता दूंगी अनूप, ठीक है? तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू मेरिडियन. वैसे अभी मेरा सॉयल मैकेनिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है गेट के लिए डिटेल. हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, इरिगेशन इंजीनियरिंग 80% करवा दिया है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन गेट के लिए पूरा कंप्लीट हो गया है, ईएससी के लिए वो 20% बचा हुआ है अभी भी, और सर्वेइंग सब्जेक्ट हमने अभी स्टार्ट किया है, और इसी मंथ के एंड में एनवायरमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ. जितने भी सब्जेक्ट्स पर बताए आपको, ये ऑलरेडी प्लस में करवा दिए मैंने कवर, और अभी आगे हमने एनवायरनमेंट स्टार्ट करना है इस मंथ के लास्ट में. अच्छा, ट्रू मेरिडियन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया. अब इसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है. सिमिलरली मैं अर्थ का सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. अभी मैंने फिर से सेम वैसे ड्रॉ कर दिया. मैंने बोला अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उस एक्सिस पर ये जो नॉर्थ और साउथ बन रहा है, ये तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ था. अब आपने ये पढ़ रखा होगा, पहले फिजिक्स पढ़ते थे या कॉलेज में या स्कूल में आप पढ़ते थे, कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है
लेकिन उसका रीज़न कुछ अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ पाया है कि किस वजह से अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, अगर मैं ये मान लूँ कि अर्थ की कोर के अंदर एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन क्या है, तो ये मैग्नेट की नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन जो होगी इसे हम बोल देंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो साउथ होगा उसे क्या बोल देंगे। ये बियरिंग समझने के लिए पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं। ये है मैग्नेटिक साउथ, ये है मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ साउथ जो है वो हमने मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ बोल दिया। अब अर्थ के सरफेस से जाती हुई वो लाइन जो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करेगी, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोल दोगे, उस इमेजिनरी लाइन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दोगे। अब ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी, अर्थ की अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड शो करनी है तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी शो कर सकती हूँ कि लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स, ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन दिखा दी मैंने यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन जो है ये भी क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन या मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल बोल लो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एक बात सुनना, क्या होता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न अभी तक एक्चुअल में पता नहीं चला है, तो क्या होता है जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगी ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती रहेगी। एक दिन में एक पूरा दिन एक चक्कर कंप्लीट करेगी अपनी एक्सिस के अबाउट, तभी सुबह दिन रात होएगा। तो ये जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन हो रही है। किस वजह से वेरिएशन हो रही है, किस वजह से वेरिएशन हो रही है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की। दूसरा ये और किसके अबाउट रोटेट कर रही है, दूसरा ये सन के अबाउट भी तो रोटेट कर रही है ना, एक अपनी एक्सिस के अबाउट और एक सन के अराउंड, एक ये सन के अराउंड भी तो घूम रही है। तो इसका मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मूवमेंट के साथ चेंज होती रहेगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लोकेशन के साथ भी बदल जाएगी और टाइम के साथ भी बदल जाएगी। बोल सकते हो कि नहीं, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ फिक्स नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करती रहती है। तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ फिक्स नहीं रहेगा, क्यों नहीं रह रहा फिक्स, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से या सन के अराउंड चक्कर लगाने की वजह से। तो जैसे जैसे जगह बदलती जाएगी, जैसे जैसे जगह बदलती जाएगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ चेंज होते रहते हैं। या फिर जैसे जैसे आप टाइम बदलते रहोगे, टाइम कैसे चेंज हो रहा है, एक पूरे दिन में वेरिएशन आ रही है अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से, तो टाइम की वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ चेंज होता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है, या मैं बोल सकती हूँ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजिशन कॉन्स्टेंट नहीं है। जो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट मैंने बनाई, ये चेंज होगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बदलती रहेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग आएगी। तो बोलने का मतलब ये था दो चीज़ें आपने सीखी, एक तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन जो लाइन इमेजिनरी लाइन अर्थ के सरफेस पे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियन जो अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करेगी उसे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने ये डायरेक्शन दिखा दी, ये ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, टुवर्ड ईस्ट भी हो सकती है, टुवर्ड वेस्ट भी हो सकती है, ठीक है। बताया जो मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ टाइम के साथ बदलता है, लोकेशन के साथ बदलता है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से बदलता है, मीर अभी यही तो बताया। आप अभी तक ये रीज़न भी नहीं पता चला है कि ये वेरिएशन क्यों आती है, मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न क्या है, तो ये कहानी बिल्कुल अलग है। हमें इतना पता है कि चेंज होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, इतना ही हमारे काम का है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ, ये आ गया। ये इस तरफ भी हो सकता था, मैग्नेटिक नॉर्थ
और मैग्नेटिक नाउ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इस तरफ भी हो सकता था। तो इसे हमने बोल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, बताओ। हमेशा अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो एक्सिस हमेशा सेम रहेगी, तो इसका मतलब हुआ ट्रू मेरिडियन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये तीन टर्म्स पता चल गई आपको, दो टर्म्स बताइए अभी। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, बताओ। अब देखिए, अब एक एक करके बियरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया, सबसे पहले हमने ये देखा ये ट्रू मेरिडियन क्या होता है, तो हम उसी को ही समझ लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले चारों डायरेक्शंस दिखाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये मैं ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ शो कर रही हूँ। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को शो करने वाली ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसे मैंने यहाँ पर बोल दिया ट्रू मेरिडियन। ये थी हमारी ट्रू मेरिडियन। अब मैंने बोला कि हम जब कंपास सर्वे पढ़ते हैं तो हमें किसी लाइन को रेफरेंस मानकर एंगल मेजर करना होता है। अगर मैं ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की लाइन को, ये जो ट्रू मेरिडियन वाली लाइन है, इसको रेफरेंस मानकर किसी पॉइंट का एंगल मेजर करती हूँ, ये ए पॉइंट है और इसको बी मान लिया, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल मैंने थीटा मेजर किया किसको रेफरेंस मानकर, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ या ट्रू मेरिडियन वाली लाइन को रेफरेंस मानकर, तो उस एंगल को क्या बोल दोगे, ट्रू बियरिंग। बियरिंग मतलब एंगल, इसको कह दिया हमने ट्रू बियरिंग। ये थीटा हो गया आपका ट्रू बियरिंग। और ट्रू बियरिंग का एक और नाम होता है, इसे एजीमुथ भी बोलते हैं। ट्रू बियरिंग को एजीमुथ भी बोलते हो। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को रेफरेंस मानकर आपने जो एंगल मेजर किया है उसे ट्रू बियरिंग बोलते हैं और उसी को एजीमुथ भी बोलते हैं। इसी की बजाय अगर मैं यहाँ पर एंगल मेजर करती विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, अगर मैं यहीं पर आपको शो कर दूं कि ये ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू साउथ था, और इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन शो कर दी, इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन शो कर दी, एक काम करते हैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, मैग्नेटिक नॉर्थ को यहाँ मान लिया, ये ईस्ट की तरफ भी हो सकता था, वेस्ट की तरफ भी हो सकता था, मान लिया मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ है। अब सर्वे लाइन जो है उसे हमने इसी क्वाड्रेंट में रखा, ये सर्वे लाइन को बी और ए नाम दिया था, सर्वे लाइन बी और ए थी। ट्रू नॉर्थ से सर्वे लाइन का एंगल जब हम मेजर कर रहे हैं उसे बोला ट्रू बियरिंग या एजीमुथ। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाली लाइन को रेफरेंस मानकर जो हमने एंगल मेजर किया उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। तो बात यह आ जाती है कि किस लाइन को रेफरेंस मानकर आप जितने भी एंगल हैं वो मेजर कर रहे हो उसके बेसिस पे हम इसे नाम दे देते हैं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। तो एक हो गया ट्रू बियरिंग, एक हो गया मैग्नेटिक बियरिंग। इस थीटा को हम ट्रू बियरिंग भी बोलते हैं या इसे एजीमुथ भी बोलते हैं। ये बियरिंग चीज़ पता चल गई, बियरिंग का मतलब है एंगल, किस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू मेजर किया है उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया। ट्रू ट्रू मेरिडियन के विद रिस्पेक्ट टू लिया है तो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन के विद रिस्पेक्ट टू अगर एंगल मेजर किया है तो उसे क्या बोल दिया, मैग्नेटिक बियरिंग। अब बात करते हैं ये सारे एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल होंगे, आपने ये ध्यान रखना है जितने भी एंगल है वो सारे हॉरिजॉन्टल एंगल है, ठीक है। चलिए अब आपको एक एंगल दिख रहा है किन दो के बीच में, एक एंगल यहाँ पर मुझे एक और शो हो रहा है उसको चलो ब्लैक से बता देते, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ इन दो के बीच में एक हॉरिजॉन्टल एंगल नज़र आ रहा है, इसे मैं डेल से डिनोट करती हूँ, इसे हम डिक्लाइनेशन बोलते हैं, इसे हम डिक्लाइनेशन बोलते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट टू किस डायरेक्शन में डिक्लाइन हुआ, टूवर्ड ईस्ट डिक्लाइन हुआ या टूवर्ड वेस्ट डिक्लाइन हुआ। तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड वेस्ट है, तो इसे हम वेस्टर्न डिक्लाइनेशन बोल देंगे और इसे हम डेल डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे। डेल डब्ल्यू क्या हो गया यहाँ पर, डेल डब्ल्यू इज वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, क्लियर है। और अगर यही मैग्नेटिक नॉर्थ मैं टूवर्ड ईस्ट बना देती तो इसे हम लोग क्या बोल देते, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, जिसको मैं आगे शो कर रही हूँ। तो दोनों को मैं यहाँ पर साथ में दिखा रही हूँ, दोनों को मैं यहाँ पर साथ में दिखा रही हूँ। एक तो मैंने शो कर दिया कि ये ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ वाली पोजीशन ये है और मैग्नेटिक साउथ वाली पोजीशन ये है। तो ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन शो कर दिया।
अब वैसे ही दूसरे केस में क्या करते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को दूसरी तरफ को शो कर देते हैं, टूवर्ड वेस्ट बना देते हैं। तो अगर देखिए, अगर हम लोग टूवर्ड वेस्ट बना दे तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ और मैग्नेटिक साउथ इस तरफ। ठीक है, अगले महीने करेंगे, नेक्स्ट मंथ होगा लेवलिंग चैप्टर, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब मैं सर्वे लाइन एक ही कलर की बना रही हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ। ये सेंटर वाला पॉइंट ए, ये सर्वे लाइन ए बी, ये जो सर्वे लाइन है यहाँ पर सेंटर से ए बी। अब देखिए क्या क्या एंगल बताया मैंने आपको, ट्रू जो ट्रू मेरिडियन है वहाँ से सर्वे लाइन का एंगल, इसे क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन से सर्वे लाइन का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो ट्रू बियरिंग। ट्रू नॉर्थ से सर्वे लाइन का एंगल या ट्रू मेरिडियन से सर्वे लाइन का एंगल इज ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक नॉर्थ से सर्वे लाइन का एंगल मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ से सर्वे लाइन का एंगल मैग्नेटिक बियरिंग। यहाँ किस डायरेक्शन में डिक्लाइन हुआ, मैग्नेटिक नॉर्थ टूवर्ड ईस्ट या फिर टूवर्ड वेस्ट, बताओ। इस डायग्राम से तो साफ साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो डिक्लाइनेशन है वो कौन सी है, यहाँ पर जो डिक्लाइनेशन है वो टूवर्ड ईस्ट आया है मैग्नेटिक नॉर्थ विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ। तो ये है आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, ये है सॉरी ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। यस, ईस्ट की तरफ डिक्लाइन हो रहा है तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, तो इसे लिख देते हैं, ये आ गया आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। ईस्टर्न डिक्लाइनेशन जो नेक्स्ट है ये वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हो रहा है, इसे बोलते हैं वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। पहले ये सारी टर्म्स पता चल गई आपको, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और डिक्लाइनेशन ईस्टर्न और वेस्टर्न क्या होता है, बताइए। ये पता चल गया सबको। अब डिक्लाइनेशन निकालने वाले कॉन्सेप्ट से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि हम जो बियरिंग की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रू बियरिंग की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक बियरिंग की बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका है बियरिंग को। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप बियरिंग को, तो बियरिंग मतलब एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करना या एंगल को विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने जो मेज़र करना है, दो टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल को। कैसे कैसे, एक तो डब्ल्यू सी बी की फॉर्म में, डब्ल्यू सी बी मतलब होल सर्कल बियरिंग, डब्ल्यू सी बी मतलब होल सर्कल बियरिंग, और क्यू बी मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्यू बी मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो इन दो की टर्म्स में हम लोग एंगल को यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। बियरिंग का मतलब था एंगल, अब हमें समझ में आ गया है कि ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है। अब सबसे पहले समझते हैं ये होल सर्कल बियरिंग के बारे में, तो पहले हम लोग समझते हैं ये होल सर्कल बियरिंग क्या होता है। होल सर्कल बियरिंग का मतलब क्या है, अब देखिए जो कंपास है, कंपास से हमने एंगल मेज़र करना है। बेसिकली मैं दो टाइप की कंपास के बारे में पढ़ती हूँ कंपास सर्वे में, एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक सर्वेयर कंपास। जो प्रिज्मेटिक कंपास होती है वो एंगल की वैल्यू हमें होल सर्कल बियरिंग की टर्म में मेज़र करके देती है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अभी हम प्रिज्मेटिक कंपास पर नहीं जा रहे, हम बियरिंग को समझ रहे हैं। तो देखते हैं पहले ये होल सर्कल बियरिंग क्या होता है। कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा सा क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वहाँ पर गलती हो सकती है, बाकी तो इतना सिंपल है, आप इजीली कर पाओगे इसके सारे सवाल। मैंने आपको यहाँ डायरेक्शन शो कर दी है सारे क्वाड्रेंट्स की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम कंपास की हेल्प से एंगल मेज़र करेंगे, ये जो कंपास है ना, कंपास में जब आपको नीडल शो करोगे, ये नीडल कुछ इस तरीके की होती है, इसमें जो बाहर वाले ग्रेजुएटेड सर्कल से अटैच होती है, इसको भी मैं अलग से समझाऊंगी आपको इन कंपास के बारे में। तो जो नीडल है वो आपको डायरेक्शन शो करती है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की। आप सोच रहे होंगे अभी जो हम मेज़रमेंट लेंगे, हम साइट पर जाकर मेज़र करेंगे, वो कौन सा एंगल मेज़र करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग या ट्रू बियरिंग। तो कंपास की हेल्प से हम मेज़र करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, कंपास में जो नीडल है वो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन दिखाती है। तो अभी मैं यहाँ पर सिंपल नॉर्थ साउथ लिख रही हूँ, जो हम कंपास से मेज़र करेंगे वो हमेशा मैग्नेटिक बियरिंग होगी। ठीक है, तो आप इसको अभी कोई भी ट्रू नॉर्थ साउथ ले लो, मैग्नेटिक लेना है वो ले लो, मैंने सिर्फ आपको चार क्वाड्रेंट्स दिखाए। चार क्वाड्रेंट्स में, अब मैथमेटिक्स में आप क्वाड्रेंट्स लेते हो, ये वन, इसको टू, फिर थ्री, फिर फोर।
यहाँ क्वाड्रेंट कैसे कंसीडर करने हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ये 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट इसे लेने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितने से कितने तक वेरी करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to 90 degree। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 से 90 degree तक वेरी करेगी। सेकंड में 90 से 180 degree तक वेरिएशन होगा। थर्ड में 180 से 270 degree तक वेरिएशन होगा और फोर्थ में 270 से 360 degree तक जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर डायग्राम बना के क्या बोलना चाह रही हूँ। होल सर्कल बियरिंग में हम जितने भी एंगल मेज़र करते हैं हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस मानकर एंगल मेज़र किया है, और जो डायरेक्शन है एंगल मेज़र करने की वो क्या है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में एंगल मेज़र कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र कर रहे हो। नॉर्थ को रेफरेंस मानकर, मान लीजिए, चलो अभी मैं इसको अगली स्लाइड पे शो करती हूँ। होल सर्कल बियरिंग में आपको ये बताया कि चारों क्वाड्रेंट्स में एंगल की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। अब इन चार क्वाड्रेंट में हम लोग एक एक सर्वे लाइन शो कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारी पहली सर्वे लाइन है ए बी, ये सर्वे लाइन है ए बी, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वर्टिकल लाइन को रेफरेंस मानकर, वर्टिकल लाइन में भी सिर्फ नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप एंगल मेजर कर रहे हो थीटा वन, इस थीटा वन को क्या बोलूंगी, ये थीटा वन को बोलूंगी होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, अब एक लाइन बना दी ए सी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइन बनाई ए सी, नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया, थीटा टू लिख दिया। थीटा टू इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए सी। एक और लाइन ले लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन ले ली ये ए डी, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए सी लाइन तक का जो एंगल बना ये थीटा थ्री, इस थीटा थ्री को क्या बोला, डब्ल्यू सी बी, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए डी। ठीक है, लास्ट बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाइन हुई तो ऐसे जाएगी, तो इस लाइन का नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट टू जो ये टोटल एंगल बना थीटा फोर। आप देख रहे हो हर एक एंगल को मेजर करने के लिए हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एंगल मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये लाइन को नाम दे दिया ए ई, ए ई इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए ई। मतलब कि अगर मैंने बोल दिया कि होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 220 डिग्री, आपको अगर उसका डायग्राम बनाना होगा तो आप उसको कैसे शो करोगे, आप उसको कैसे शो करोगे, आप उसको नॉर्थ से रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करोगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया, फिर जो 220 डिग्री जिस क्वाड्रेंट में आया तो वहाँ पर वो लाइन लाई कर रही है। ये बात समझ आ गई, डब्ल्यू सी बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि बियरिंग ऑफ लाइन, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 150 डिग्री, तो 150 मैं कहाँ से बनाऊँ और किस डायरेक्शन से बनाऊँगी, तो ये 150 डिग्री हम ऐसे बनाएंगे, नॉर्थ को रेफरेंस मानेंगे, यहाँ पर वैल्यू 0 से 90 आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 90 से 180 आती है, तो नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, ये वैल्यू कितनी है, 150 डिग्री। क्लियर है ये क्या है, डब्ल्यू सी बी। बताओ होल सर्कल बियरिंग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी तो वो लाए करेगी 270 से 360 के बीच में, तो इसके बीच में अगर आप में कोई वैल्यू ले लो 300 डिग्री, तो मतलब 300 डिग्री कहाँ से मेज़र किया गया है, नॉर्थ से मेज़र किया है, किस डायरेक्शन में मेज़र हुआ है, क्लॉकवाइज में। तो ये वाला जो एंगल बना इसे हमने बोला होल सर्कल बियरिंग ऑफ दैट लाइन, इसे हमने बोला होल सर्कल बियरिंग ऑफ दैट लाइन। क्लियर, बताइए। अभी हाईवे का फिर से अभी तो नहीं आएगा, क्रैश कोर्स आएगा, वो शायद नवंबर या दिसंबर तक ही है, उसके बाद, उससे पहले नहीं आएगा क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कराने हैं। ठीक है प्रदीप, तो रिकॉर्डिंग में तो आपको पूरा मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरा अब क्रैश कोर्स ही आएगा हाईवे का। प्लस में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर सभी ने ही कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगी उसके बाद सवाल कराऊंगी। डब्ल्यू सी बी क्लियर है सबको। अगला देखो, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है, अगला क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग में
आपको जो एंगल मिलेगा, एक क्वाड्रेंट में एंगल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैंने चार क्वाड्रेंट शो किए ना, तो किसी एक क्वाड्रेंट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है एंगल की। हाँ, एनवायरनमेंट मेरा स्टार्ट हो जाएगा प्रदीप इस मंथ के लास्ट में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, तो वो लाइव चलेगा, ठीक है। और टाइमिंग भी उसकी इवनिंग की रहेगी, 5:30 PM इतना रहेगी उसकी टाइमिंग। शाम को 5:30 बजे से क्लासेस रहेंगी, नया कोर्स स्टार्ट करूँगी मैं, जल्दी उसका डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात कर रही हूँ, बताओ इसमें एंगल की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम किस रेंज में आनी चाहिए? 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसमें हमेशा एंगल 0 से 90 के बीच में ही आएगा। एक क्वाड्रेंट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 से 90। अब दो टाइप की कंपास है, मैंने बोला प्रिज्मेटिक कंपास WCB मेजर करती है, तो जो सर्वेयर कंपास है, जो सेकंड टाइप की कंपास हम पढ़ेंगे, सर्वेयर कंपास मेजर करती है क्वाड्रेंटल बियरिंग, जिसमें एंगल की वैल्यू वेरी करती है आपकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका जो है वो अलग है। पिछले वाले केस में हमने बोला कि हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस मानेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ नॉर्थ और साउथ, जो भी नियर होगा इन दोनों में से, नियर किसके, सर्वे लाइन के, जो भी नियर टू सर्वे लाइन होगा उसे हम लोग रेफरेंस मानेंगे एंगल मेजर करने के लिए, नॉर्थ और साउथ में से जो भी पास होगा। अब कैसे, वो अभी आपको डायग्राम से शो करती हूँ। डायरेक्शन जो मेजरमेंट की रहेगी, मुझे एंगल को जो मेजर करना है, वो क्लॉकवाइज में भी मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मेजरमेंट करते टाइम जब मैं रेफरेंस लूंगी, वो नॉर्थ और साउथ के अलावा और कुछ नहीं होगा, ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप कई बार ऑप्शन में ईस्ट वेस्ट भी दिया होता है, उसको सीधा स्किप कर सकते हो कि आंसर होगा ही नहीं। कैसे, अभी समझाती हूँ। देखो, हमने क्या किया, फिर से वो चार क्वाड्रेंट शो कर दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब मैंने एक सर्वे लाइन ड्रॉ करी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रही है, ये सर्वे लाइन शो करी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रही है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्थ, अभी ये लाइन किसके ज़्यादा पास है, नॉर्थ के ज़्यादा नियर है या साउथ के ज़्यादा नियर है? डायग्राम से साफ ही पता चल रहा है कि ये जो सर्वे लाइन है, बताओ ये नॉर्थ के ज़्यादा नियर है या साउथ के ज़्यादा नियर है? नॉर्थ के ज़्यादा पास है ना, ये जो है आपकी नॉर्थ के ज़्यादा पास है, बताओ। अगर नॉर्थ के ज़्यादा पास है तो मैंने उसको रेफरेंस माना, नॉर्थ के ज़्यादा पास है, मैंने इसे रेफरेंस माना। किस डायरेक्शन में एंगल मेज़र किया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र किया, मान लो थीटा वन, तो मैं क्या लिखूंगी, नॉर्थ को रेफरेंस माना तो एन लिख लिया, सर्वे लाइन तक जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र किया कितना किया, थीटा वन लिख लिया। किस डायरेक्शन में एंगल मेज़र किया, टूवर्ड ईस्ट, तो नॉर्थ थीटा वन ईस्ट। ये कैसे रिप्रेजेंट किया, जहाँ से जिसको आपने रेफरेंस माना है वो, जिस डायरेक्शन में एंगल मेज़र किया है वो, पहले रेफरेंस वाला पॉइंट, फिर डायरेक्शन, और बीच में जो एंगल मेज़र किया है वो थीटा आएगा। क्लियर है, बताइए, क्लियर है सबको? नॉर्थ थीटा वन ईस्ट लिखोगे। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में शो कर देती इस लाइन को, अब AC मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में शो करी, अब ये नियर टू नॉर्थ है या साउथ है, ये साउथ के ज़्यादा पास है या नॉर्थ के ज़्यादा पास है, तो पता चल रहा है ये साउथ के ज़्यादा पास है, तो क्या करूँगी, साउथ को रेफरेंस माना। अब मैंने साउथ को रेफरेंस माना, क्लॉकवाइज तो चलेगा नहीं एंगल पास, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा इस लाइन के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिखा है, क्लॉकवाइज में भी मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी, नॉर्थ को भी रेफरेंस मान सकती हूँ, साउथ को भी, तो यहाँ पर साउथ को रेफरेंस मानकर डायरेक्शन ली थीटा टू और टूवर्ड ईस्ट, साउथ थीटा टू ईस्ट, जो ये एंगल आप मेजर कर रहे हो ये आपका बियरिंग हो गया, क्वाड्रेंटल बियरिंग, और इसे क्या लिखा, ये हमारी AC लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग है, ये AB लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग है। ओके, समझ में आ गया सबको, बताओ। अब अगला भी समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट में क्या है, मैंने AD लाइन बना ली, AD लाइन बना ली, किसके ज़्यादा पास है, नॉर्थ के या साउथ के, किसके ज़्यादा नियर है ये AD लाइन,
नॉर्थ और साउथ में से किसके ज़्यादा नियरेस्ट? साउथ के ज़्यादा पास है। डायरेक्शन में क्या ले सकती हूँ एंगल मेज़र करने के लिए? डायरेक्शन में क्लॉकवाइज भी ले सकती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकती हूँ। तो अभी तो मुझे यहाँ पर देखना है कि लाइन के लिए एंगल क्या बन रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना बस, कि जो मुझे एंगल मेज़र करना है वो वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में ही करना है। कभी भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन के विद रिस्पेक्ट टू एंगल मेज़र नहीं करते। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा 3, बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे मैंने पहले दो क्वाड्रेंट के लिए आपको यहाँ पर बताया, नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट, साउथ थीटा 2 ईस्ट। ये तीसरी जो लाइन है ए डी लाइन, इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करूँगी यहाँ पर बियरिंग को? कमेंट सेक्शन में बताइए। एंगल को आप ऐसे कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, थीटा नहीं लिखा जा रहा टाइप तो जीरो लिखो, साउथ थीटा वेस्ट ऐसे लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम साउथ, क्योंकि साउथ को रेफरेंस माना। फिर एंगल कितना मेजर किया? थीटा 3, और डायरेक्शन क्या थी? वेस्ट। तो साउथ थीटा वेस्ट, इसे मैंने लिख लिया ए डी। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ ध्यान मतलब पता चल रही है, अगर मुझे लाइन दे रखी है नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट, तो मतलब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अगर मुझे लाइन दे रखी है साउथ थीटा 2 ईस्ट, तो लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। साउथ थीटा 3 वेस्ट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फोर्थ में भी बता दो, चलो फोर्थ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम? लो ये शो कर दिया, ए लाइन हो गई, ये ई हो गया। अब ये नॉर्थ के ज़्यादा पास आ गई, तो नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। तो ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पर मेज़र कर ली, इस डायरेक्शन को कह दिया थीटा 4। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? इसे कैसे रिप्रेजेंट किया? नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट। और ये लाइन क्या है? लाइन का नाम है ए ई, और ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। मतलब अगर मुझे कोई कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आता है जिसमें डब्ल्यू सी बी से या होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले अगर या क्वाड्रेंटल से डब्ल्यू सी बी में कन्वर्ट करना होगा, मुझे क्वाड्रेंट पहचानना पड़ेगा कौन सा है। अगर मुझे वो पता चल गया तो इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले आप ये दोनों की बियरिंग, क्वाड्रेंटल और होल सर्कल बियरिंग, दोनों अलग अलग से समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट इनको रिप्रेजेंट करने में? कोई डाउट इनको कैसे रिप्रेजेंट किया? अब इन दोनों के बारे में हमने समझ लिया। अब अगर मुझे एग्जाम में बोला जाता है कि कन्वर्ट करके बताओ यहाँ पर कि आपका डब्ल्यू सी बी होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करके बताओ कि क्या वैल्यू होगी, मुझे वैल्यू दे दी होल सर्कल बियरिंग की 120 डिग्री। अब आपको पता है 120 मतलब नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री। अब आपको क्वाड्रेंट पहचानना है बस कि कौन सा होगा, और क्वाड्रेंटल बियरिंग की टर्म में आप इसे कैसे लिखोगे, चलो कन्वर्ट करके बताओ मुझे अगर आपको समझ में आ गया, कन्वर्ट करके बताओ इसे कि ये कैसे लिखोगे, इसे एंगल कितना होगा वो कैलकुलेट करना। एंगल कितना होगा और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंगल कितना होगा और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये पूछा है मैंने। बाकी लोग भी आंसर करो, मतलब समझ कुछ ही लोगों को आया है ना। देखिए तो 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका होल सर्कल बियरिंग। 120 डिग्री को ड्रॉ कर लिया पहले तो मैंने, उसका एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा दीपक कुछ मुझे, फिर आपको गाइड कर सकती हो। ठीक है, नॉर्थ, बाकी आज की जो क्लास है ये तो वैसे भी काम आएगी, स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी, ईएससी के लिए भी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं, तो अगर क्लास के लिए पूछ रहे हो तो ये तो काम आएगी। बाकी जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बिल्डिंग मटेरियल को सबसे अच्छे से पढ़ लेना, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, और उसमें एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा कम पूछा जाता है, तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा कवर होते हैं उनको पहले कवर करना। लाइक सॉयल मैकेनिक्स से भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपका, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से भी और सर्वेइंग से भी।
इसके अलावा इरिगेशन छोटा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि अगर मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट का वेटेज उतना नहीं रहता, उसको थोड़ा कम करना, तो एक बार वो एनालिसिस देखनी है कि किसको ज़्यादा करना है कवर। बाकी है सिलेबस थोड़ा बहुत ही वेरी करता है, होते तो टॉपिक्स वही है। देखो तो क्या कह रही थी मैं, 120 डिग्री होल सर्कल बियरिंग दिया है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, कौन से क्वाड्रेंट में, 90 से 180, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, ये आ गया 120 डिग्री। मुझे कौन सा एंगल निकालना है, कोई फॉर्मूला थोड़ा ना याद करना है इसको निकालने के लिए। हमने इसको ड्रॉ कर लिया, अभी तो बिना ड्रॉ किए भी आप सॉल्व कर लोगे जब प्रैक्टिस कर हो जाएगी थोड़ी। ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक था 180, इस 180 में 120 को माइनस कर दिया, 180 में 120 को माइनस किया, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालने के लिए मुझे इस लाइन का रेफरेंस देखना था, तो साउथ के ज़्यादा पास है तो पहले साउथ लिख लिया, फिर थीटा की वैल्यू कितनी है वो देखी, फिर डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट थी, तो साउथ थीटा ईस्ट लिखेंगे, और थीटा कितना आया 60 डिग्री, तो साउथ 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर वैल्यू देती नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, इसे कन्वर्ट करो WCB में तो क्या वैल्यू होगी, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, इसे मुझे होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, क्या वैल्यू निकल कर आएगी WCB में, अब मैंने क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में जाना है, तो कुछ भी नहीं है, पहले आप क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो एंगल दिया हुआ है उसको पहचान लो और उसे ड्रॉ कर लो, यहाँ पर ये नॉर्थ, ये ईस्ट, वेस्ट और 30 डिग्री, नॉर्थ 30 डिग्री, वेस्ट टुवर्ड वेस्ट बना दिया। अब मुझे होल सर्कल बियरिंग निकालनी है, तो होल सर्कल बियरिंग के लिए नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा एंगल कितना होगा, तो मुझे ये पता है कि चार के चार जो ये फोर क्वाड्रेंट्स है, ये टोटल एंगल यहाँ पर बन रहा है 360 डिग्री। ठीक है, किसी को एंगल नहीं समझ आ रहे तो बोल सकते हो, 360 डिग्री में 30 डिग्री को माइनस कर दिया, मुझे वैल्यू मिल गई 330 डिग्री, ये कन्वर्जन होगी क्वाड्रेंटल बियरिंग होल सर्कल बियरिंग। तो आपको यहाँ से आते हैं सवाल, ये स्टेट में भी मिल जाएंगे, SSC में भी मिल जाएंगे, ESC में मिल जाएंगे, तो आप ये कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको एंगल राउंड फिगर में ना देकर किसी और तरीके से दूं, जैसे अगर मैंने आपको मान लीजिए एंगल दे दिया, क्या एंगल लेकर चलते हैं, मान लो मैंने आपको एंगल दे दिया साउथ 30 डिग्री 20 मिनट्स, 20 मिनट्स भी नहीं हो जाएगा इसको तो कुछ सॉल्व कर लोगे आप, साउथ 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 70 मिनट वेस्ट, 30 डिग्री 70 मिनट्स वेस्ट, इसको कन्वर्ट करो, ये नहीं अभी मुझे एडिशन बताना था आपको, 70 डिग्री तो लिखेंगे ही नहीं से, चलो इसको सिंपल ही ले लो, अभी एडिशन वगैरह मैं किसी और तरीके से बताऊंगी, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, वो फोर बियरिंग बैक बियरिंग में चलेगा, जो मैं आपको एक्चुअल में इनका एंगल का एडिशन वगैरह समझाना है वो। तो अगर मैं साउथ 30 डिग्री 20 मिनट्स वेस्ट ले लूँ, तो इसको क्वाड्रेंटल बियर, इसको आप कैसे लिखोगे होल सर्कल बियरिंग में, होल सर्कल बियरिंग में इसे कैसे लिखेंगे, साउथ 30 डिग्री 20 मिनट्स। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स के बराबर होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। अगर मुझे कभी कन्वर्जन करनी है तो इसका काम आएगा, इसका यूज होगा अभी क्वेश्चन में, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर है। अब 30 डिग्री 20 मिनट्स का कुछ नहीं है, ये तो वैसा ही सिंपल बन गया, टू वर्ड वेस्ट है, तो इसका मतलब ये लाइन आपकी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो यहाँ से ये जो एंगल है ये आपने ऐड कर दिया 180 डिग्री प्लस 20 या 30 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 20 मिनट्स, है ना, और बाकी डायरेक्शन आपके पास ये वैल्यू आ गई 210 डिग्री 20 मिनट्स। किसी को डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, अभी यहाँ तो सिर्फ 180 ऐड करना या 180 माइनस करना, 360 से माइनस करना, यही चलेगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन दे देती हूँ तो क्या करोगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन होती है तो कुछ चेंज आएगा क्या एंगल में, देखो सारे एग्जांपल कर लिए हमने,
ताकि चारों क्वाड्रेंट का कन्वर्जन हमें आ जाए। अगर मैं नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट देती हूँ तो इसका होल सर्कल बियरिंग बताओ। सेम रहेगा, कोई एंगल चेंज नहीं हुआ। अगर आप नॉर्थ थीटा ईस्ट लिखते हो, ये थीटा 30 डिग्री, तो ये होल सर्कल बियरिंग भी कितना आएगा, 30 डिग्री। तो हमने चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में बात कर ली। पहले में एंगल सेम रहेगा, सेकंड के केस में जब हमें एंगल निकालना था तो हमने कैसे निकाला सेकंड के केस में। अब फॉर्मूला आपको बुक में लिखा हुआ कैसे मिलेगा, आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, पर अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये सर्वे लाइन है, उसने इस एंगल को थीटा दे दिया होगा, फिर वो बोलेगा कि ये अल्फा एंगल कैसे निकाला जाए, तो लिखेंगे साउथ अल्फा और ईस्ट दिया होगा, और इस अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, साउथ 180 माइनस थीटा इंटू ईस्ट। बताओ इसको कोई याद करने की ज़रूरत है क्या? अगर मैं सीधा डायग्राम बना लेती हूँ तो मुझे पता है 180 ऐड करना है या प्लस करना है या माइनस करना है। अगर आपको दूसरा डायग्राम क्या मिलेगा बुक्स में, अब आपको अगर बुक में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी चीज़। ऐसे दिया होगा, ये नॉर्थ है और आपको ये वाला एंगल दिया होगा अल्फ़ा, इस केस में ये वाला एंगल दिया है अल्फ़ा और ये वाला एंगल लिखा है थीटा, और ये साउथ और ये वेस्ट। तो इसको कैसे लिखा होगा कि साउथ अल्फ़ा वेस्ट। अल्फ़ा कैसे निकलेगा बताओ, यहाँ यहाँ अल्फ़ा कैसे निकाला हमने, साउथ 180 डिग्री प्लस साउथ अल्फ़ा वेस्ट ही आएगा ना, ठीक है। तो इसको हमने साउथ अल्फ़ा वेस्ट, रुको अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ये गलत हो गया, रुको इरेजर। साउथ अल्फा थीटा में क्या करेंगे, एक मिनट, थीटा में 180 माइनस कर दोगे, ये पूरा आपके पास थीटा दिया हुआ है, इसमें से बाहर वाला एंगल माइनस कर दो, मिल जाएगा अल्फा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा माइनस 180 डिग्री, थीटा माइनस 180 डिग्री वेस्ट, ऐसे लिख सकती हूँ बताओ। मतलब फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, फॉर्मूला लिखा ही नहीं तो हमें सारी बातें क्लियर है। तो मैं एक बार अलग से कलर से शो कर देती हूँ बस लास्ट में। ये वाला टोटल एंगल जो है ये इसकी बियरिंग है, ये वाली है ना, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। और ये वाला जो है ये थीटा है, और ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री है, तो थीटा में 180 माइनस करके। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखा होगा, फोर्थ में कैसे रिप्रेजेंट किया होगा इसे, अगेन ये एंगल अल्फ़ा, तो नॉर्थ अल्फ़ा वेस्ट। और जब इसको WCB की टर्म में या अल्फ़ा निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू वेस्ट, यहाँ से निकालेंगे। तो ये चारों क्वाड्रेंट के लिए ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा, आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा कंपास सर्वे में हम लोग मेज़र करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, डायरेक्टली दो पॉइंट्स के बीच का एंगल मेज़र नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन एंगल मेज़र करना होता है, जिस रेफरेंस लाइन को बोल दिया मेरिडियन। अगर वो लाइन ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को, या जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को ज्वाइन कर रही है तो उसे हमने ट्रू मेरिडियन बोला लाइन को। अगर वो अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन कर रही है तो उसे हमने मैग्नेटिक मेरिडियन बोला। अगर हम ट्रू मेरिडियन के विद रिस्पेक्ट टू एंगल मेज़र करते हैं तो वो ट्रू बियरिंग होगा, या उसे एजीमुथ बोलेंगे। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन के विद रिस्पेक्ट टू एंगल मेज़र करते हो तो वो मैग्नेटिक बियरिंग होगा। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा इसे डिक्लाइनेशन कहते हैं। बियरिंग को हम WCB और क्वाड्रेंटल बियरिंग के टर्म में लिख सकते हैं। WCB का मतलब है कि हमेशा एंगल को आप नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र करके लिखोगे, और हमेशा वैल्यू 0 से 360 के बीच में आएगी। प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बियरिंग मेज़र करती है। फिर हमने देखा क्वाड्रेंटल बियरिंग में कुछ चेंजेस थे, हमेशा एंगल 0 से 90 होगा। सर्वेयर कंपास मेज़र करके बताती है क्वाड्रेंटल बियरिंग। नॉर्थ को भी रेफरेंस ले सकते हैं, साउथ को भी ले सकते हैं, डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। फिर इसकी हमने कन्वर्जन देखी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अभी के सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर, कल होगी आपकी स्पेशल क्लास, कल होगी स्पेशल क्लास, और स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जितने भी लोग मुझे फॉलो करोगे आप लोग, तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस का। कल मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है शाम को 6 बजे, इसी सेम टाइम पर शाम को 6 बजे, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग के। और नेक्स्ट डे 20th को सेम टाइम पर शाम को 6 बजे जो आज टॉपिक पढ़ा उसका कंटिन्यू पार्ट होगा यूट्यूब पर, जो आपकी यूट्यूब पर अनअकैडमी एकॉर्ड पर क्लास हो रही है। ठीक है, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग डे आफ्टर टुमारो, परसों वाली क्लास में। क्लियर सभी को? अगर स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हुए आपसे वो अनलॉक कोड पूछते हैं, तो आप वहाँ पर सिमरन गेट या सिमरन के लाइव जो है उसको यूज़ कर सकते हो। आपको आइडिया दे दूंगी प्रिज्मेटिक और सर्वेयर का, ठीक है संजय भारती, आइडिया दे दूंगी आपको। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको डिक्लाइनेशन बताकर फिर प्रिज्मेटिक और सर्वेयर में थोड़ा बहुत रीडिंग का एक आइडिया ले लेंगे, क्योंकि वहाँ से स्टेट एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा? सब कुछ समझ में आया ना? बताओ एक बार अपने एंड से क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितना मैंने पढ़ाया उससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर एक बार ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे समझाने दो, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस लगाना, आराम से बैठ के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम कल स्पेशल क्लास में मिलते हैं, और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सब लोग लाइक ज़रूर करके जाना। आज की क्लास को एंड करती हूँ यहीं पर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।